ज़बरदस्त सी कलेक्शन है मेरे पास जो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, इसमें बैंगल्स हैं, कड़े हैं, आपको नोज पिन नज़र आएगी और मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी होगी जिसको उर्दू में रिंग भी कहते हैं, छल्ला भी कहते हैं, और बैंगल्स चूड़ियाँ हो गई हमारे पास जो कि बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। और आप देखते रहिएगा स्क्रीन में पे और मेरे साथ साथ रहिएगा। ये देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सा बैंगल्स है, और ये जो है उससे आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये छल्ला है, और ये देखें ये चूड़ियों का सेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी दो कड़े हैं और बहुत खूबसूरत नफीस इस पर काम किया हुआ है जी। ये भी जुड़ाव वाले हैं दो चूड़ियाँ आप कह लें, ये जो हैं ये भी आपको चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं थोड़ी सी बड़े साइज में हैं, और ये बहुत खूबसूरत स्टाइल में आपको चूड़ियाँ नज़र आएंगी और बहुत खूबसूरत इन पर वर्क किया हुआ है, स्टोन का काम किया हुआ है, डायमंड लगे हुए हैं इन पर। और ये देखें दरमियान वाला जो कड़ा है आपको प्लेन नज़र आएगा और साइड से जो चूड़ियाँ हैं वो जुड़ाव वाली हैं। अब ये देखें ये भी दो खूबसूरत कड़े हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे जाली वाला डिज़ाइन है कड़ों का और बहुत खूबसूरत है। और फीमेल की तो ये जो ज्वेलरी है ये उनकी कमज़ोरी है। आगे आगे आप मेरे साथ रहिएगा और देखते जाइएगा कि इंतहाई खूबसूरत मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी जो यकीनन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो आके आप शादियों पे पहन सकते हैं, ब्राइडल सेट भी आपको नज़र आएंगे बहुत नफीस, क्योंकि बहुत हैवी ज्वेलरी जो है ना आजकल वो फैशन में नहीं है, बहुत नफीस ज्वेलरी जो है वो फैशन में है। अब ये देखें ये ब्राइडल के लिए ख़ास तौर पर वलीमे के लिए है, ये लाइट सा हमें सेट नज़र आ रहा है, गले का है, ये हार नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ये बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है और मैंने बहुत अच्छी मुख्तलिफ जगहों से जाकर कलेक्शन इसकी की है। अब ये देखें ये बहुत नफीस आपको सेट नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जी, तो ये सेट देखें ये देखने में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और पहनने में उससे भी ज़्यादा है। अब इनमें से कुछ आपको डिज़ाइन गोल्ड के नज़र आ रहे होंगे, कुछ आपको जो है वो आर्टिफिशियल होंगे इनमें, लेकिन आप ये डिज़ाइन दिखाकर गोल्ड के भी बनवा सकते हैं। ये देखें जी बहुत खूबसूरत है, पर्ल स्टाइल में है, अब ये जुड़ाव में है और बहुत नफीस छोटा छोटा काम है इस पर किया हुआ, ये बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड है और सरोफ में है। ये देखें इस पर कोई स्टोन नहीं है, कोई नगीने नहीं है, अब ये बिल्कुल गोल्ड में सरोफ सा सेट है जी। ये देखें ये हर दौर में मकबूल होता है जी, ये बहुत खूबसूरत सिर्फ एक चेन है और दरमियान में तीन छोटे छोटे से सेट आपको लगे हुए नजर आएंगे। ये थोड़ा सा हैवी आपको सेट नजर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, ये झुमके स्टाइल में है जी। ये देखें ये बहुत खूबसूरत, ये जी इसमें डायमंड लगे हुए हैं सारे गोल्ड पे है और इसमें सारे डायमंड लगे हुए हैं जी। ये बहुत छोटा सा नेकलेस है और इसके साथ ही इयर रिंग्स हैं जी, ये कैजुअल वे में आप पहन सकती हैं, ये पार्टी वेयर आपको नजर आ रहा होगा जी। धीरे धीरे आप मेरे साथ रहिएगा और जी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा इंतहाई खूबसूरत और नफीस डिजाइन है और लेटेस्ट ज्वेलरी है, आप चाहें तो यहां से लेके आप ज्वेलर से भी बनवा सकते हैं जी। तो ये देखें ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये जो नेकलेस है आपको, ये गले का हार है, ये देखें ये इंतहाई खूबसूरत है और ख़ास तौर पर शादियों के लिए तो फीमेल या गर्ल्स या ब्राइडल सबको ये सूट करती है ज्वेलरी। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ज्वेलरी जो होती है फीमेल की कमज़ोरी होती है, तो ये देखें ये बहुत छोटा छोटा सेट है और ये बहुत खूबसूरत सेट है, आपको खास तौर पर आप फंक्शन पर जब कैरी करेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये जो डिज़ाइन आप के सामने से गुजर रहा है ये हर दौर का डिज़ाइन है, यानी मैं ये कहूँगी कि अम्मा हवा से लेकर आज तक जो है ना ये डिज़ाइन पसंद किया जा रहा है और बार बार हर दौर में ये किसी ना किसी नए तरीके से आपको नजर आ रहा होगा जी। तो इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ एक और चीज़ भी, नोज पिन है जिसको हम नथली भी कह सकते हैं जी, ये भी खास तौर पर बहुत पसंद की जाती हैं, नोज पिन के साथ साथ ये जो नोज रिंग कह लें वो है ये, और अमूमन जो है फीमेल जो होती हैं ये शादी पर बहुत शौक से इसको पहनती हैं
ये न्यू स्टाइल में आई हुई है आजकल जी, इसके उसमें और इसमें डिजाइनिंग का फर्क है। अब इसके नीचे एक छोटा सा घुंघरू लगा हुआ है और इसमें जे दे देखें नगीने भी हैं, और दूसरी बात ये कि कुंदन वर्क स्टाइल में है, ये कलर्ड किया हुआ है इसमें, और नीचे जो है दो अदद घुंघरू टाइप जो है वो लगे हुए हैं। और ये जो फीमेल खासतौर पर नथली शौक से पहनती हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये। जी एक और डिजाइन नया आ गया है सामने, आप देखें इसको जी, उसमें देखें ये तीन का जो है जंजीरियां जो है वो लटकी हुई हैं, और साथ साथ इसमें जो है वो नगीने का वर्क नहीं है, लेकिन आपको इसमें शाइनिंग नजर आ रही होगी, कलर लगे हुए होंगे वो नजर आ रहे होंगे, पेंट जिसे हम कहते हैं वो लगा हुआ है इस पे, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें ये आपको कैसे पहनना है, आपको ये खोल के बंद करके सारा कुछ हम दिखाएंगे, ताकि जब आप लें तो आपको पहनने में समझ नहीं आ रहा तो आपको ये पहनने में आसानी हो। ये जी जंजीरी वाला डिजाइन है, इस डिजाइन को कहा जाता है, और इसमें जो है जैसे चेन लटकी हुई होती है तो इसी तरह से ये छोटी छोटी तीन तीन चेन है वो लटकी हुई है जी। सो सिंपल डिजाइन आ गया है जिसको हम क्या कहते हैं रस्सी वाला डिजाइन, रस्सी वाला बल दिया जाता है जिसे, ये बोले ये डिजाइन हर दौर में मकबूल रहा है और हमेशा ही पसंद किया जाता है। आप देखिएगा जो मैंने बेंगल्स दिखाई हैं, कड़े दिखाई हैं, उनमें भी ये डिजाइन मुसलसल आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत डिजाइन है और पहनने में भी बहुत भला लग रहा होता है जी। ये छल्ला स्टाइल आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा हल्का सा इस पे जो है काम किया हुआ है, काम से मुराद ये कि सुनार ने एक मखसूस किस्म का डिजाइन बनाया हुआ है इस पर, और ये भी बहुत खूबसूरत आपको भला लगेगा जी। इसको हर अंदाज से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छी लगे और समझ में आ जाए जी। ये देखें एक और खूबसूरत सा डिजाइन आपको नजर आ रहा होगा जो सो सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, ये जो है आप कान में भी डाल सकती हैं, अगर कान में नहीं वो नाक में नोज पिन के तौर पर नहीं यूज करना तो एज अ इयर रिंग्स भी आप यूज कर सकती हैं जी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके आने वाली जो मेरी मेरी आने वाली वीडियोस हैं आप उससे मुस्तफीद होते रहें। और ये देखें नई न्यू न्यू स्टाइल के जो हैं एयररिंग्स और नोज पिन और नथलियां जो हैं नोज रिंग जो हो गई वो आपको नजर आती रहेंगी जी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।